फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा एक नजर डालते हैं जिले भर की फटाफट खबरों पर। नशीली कफ सिरप के साथ पकड़ा गया आरोपी अजय पटेल। गुड़ पुलिस ने तहसील मोड़ के पास घेराबंदी कर पकड़ा आरोपी के खिलाफ। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला। पुलिस ने 60 सीसी नशीली कफ सिरप किया बरामद। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तलवार लेकर घूम रहे शातिर बदमाश छोटे लोनिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई। ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जोरदार मारी टक्कर। घटना में जीवन लाल कूल की मौत। जवा थाना क्षेत्र के बहेरा रोड में हुई घटना। अज्ञात कारणों के चलते राम कुमारी चर्मकार नाम की महिला ने लगाई फांसी की आत्महत्या। अतरेरा थाना क्षेत्र के टेढ़ी गांव की रहने वाली थी मृतिका। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। घायलों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। घायलों को उपचार के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। सुहागी थाना क्षेत्र के मजगवा निवासी मीना सिंह पहेलिया के साथ श्याम कली पहेली सुहागी थाना क्षेत्र के मजगवा निवासी मीना सिंह पहेलिया के साथ श्याम कली पहेलिया अंकित प्रकाश मानसी पहेलिया ने की मारपीट। युवती ने जहर खाकर की आत्महत्या। कारण अज्ञात। मऊवन थाना क्षेत्र का मामला। घर का ताला तोड़कर घुसे बदमाशों ने नकदी सहित सोने चांदी के जेवर चुराए। मऊवन थाना क्षेत्र के डिघवारा निवासी रविंद्र नारायण तिवारी के घर हुई चोरी की वारदात। शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म। शादी का दबाव बनाने पर युवक ने किया इनकार तो पीड़िता ने किया शिकायत। आरोपी ब्रजनंदन शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला। लौर थाना क्षेत्र की घटना। एक साल पहले ट्रक चोरी के मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। चोराटा थाना क्षेत्र के नई बस्ती पड़रा निवासी रामजी द्विवेदी का ट्रक क्रमांक MP17HH3885 कलवारी मोड़ से हुआ था चोरी। बिजली का करंट लगने से युवक की मौत। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हिनौता गांव में हुई घटना। खेत में फैला था बिजली का करंट। बुध से स्कूल की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मृतक अमित कौल हिनौता का है रहने वाला। युवक का अपहरण कर उसके साथ आधा दर्जन लोगों ने की मारपीट। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया अपहरण मारपीट का मामला। संजय गांधी अस्पताल गेट की सामने से उठा कर लेके आए थे बदमाश। पीड़ित सचिन पटेल निवासी कोठी की शिकायत पर आकाश पटेल बांदल सोनिया श्रीराम पांडे रोहित पटेल आशीष पटेल अतुल पटेल के खिलाफ अमैया पुलिस ने दर्ज किया मामला। युवती के मोबाइल में फोटो और SMS भेजकर परेशान करने वाले की शिकायत पहुंची थाना चोराटा। पुलिस ने जांच के बाद नीरज सोनी निवासी छीसवार के खिलाफ दर्ज किया मामला। घर का ताला तोड़कर घुसे बदमाशों ने दो लैपटॉप मोबाइल सोने चांदी के जेवर सहित अन्य सामान किया चोरी। पीड़ित संजीव वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। चोराटा थाना क्षेत्र के करैया शाही गार्डन के पास हुई चोरी की वारदात। अमृत सरोवर के निर्माण का निरीक्षण कर नोडल अधिकारियों को प्रतिवेदन देने का कलेक्टर ने दिया निर्देश। साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान की चर्चा। CM हेल्पलाइन के अप्रैल माह में दर्ज आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करने का निर्देश। PHU ऊर्जा स्वास्थ्य राजस्व पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण तथा खाद्य विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र कार्रवाई के लिए है लंबित। लाडली लक्ष्मी उत्सव के तहत जिला मुख्यालय और विकास खंडों में शिविर लगाकर बेटियों को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का दिया गया निर्देश। कलेक्टर ने परिवहन अधिकारियों को दिया निर्देश। बाल विवाह होने पर 2 साल की सजा और 1,00,000 रुपयों का होगा जुर्माना। कलेक्टर ने की बाल विवाह ना करने की अपील। कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने मेडिकल बायोवेस्ट प्रबंधन की समीक्षा। कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल बायोवेस्ट को सुरक्षित करें निपटान। अनुबंध संस्था प्रतिदिन मेडिकल वेस्ट का करे संकलन। सुरक्षित तरीके से करे विसंक्रमित। कलेक्टर मनोज पुष्प ने अमृत सरोवर निर्माण के 98 नोडल अधिकारियों को दिया नोटिस। निगरानी के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी किए गए थे नियुक्त। निरीक्षण के दौरान पाई गई लापरवाही। जिला संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग TS परिहार ने लापरवाह चौकीदार मनीष कुमार उर्मलिया की वार्षिक वेतन वृद्धि में लगाई रोक। कई बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं हो रहा था आदतों में सुधार। रात या अंधेरे में रोड पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले हुड़दंगइयों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 बालिग आरोपियों के साथ आधा दर्जन नाबालिग भी शामिल। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद जाकिर खान पिता शब्बीर अब्दुल रियाज पिता अब्दुल रफीक के खिलाफ दर्ज हुआ प्रकरण। विंध में व्याप्त बिजली समस्या को लेकर 5 मई को होगा हल्ला बोल। बिजली मामले में विंध के साथ हो रहा है छलावा। नारायण त्रिपाठी ने लगाया आरोप। ईद उल फितर के मौके पर शाही ईदगाह में कोरोना काल के 2 साल बाद सामूहिक ईद की नमाज। धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। भवन विहीन थानों को मिलेगी खुद की बिल्डिंग। पुलिस अधीक्षक SDM ने सामान नाका के लिए आवंटित की गई भूमि का किया निरीक्षण। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।